फिल्मी टॉक के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की तो थलापति विजय की फिल्म लियो से एक अपडेट है। आपको बता दें अपडेट ये है कि एक बार फिर से डायरेक्टर लोकेश कंगाराज कश्मीर के एक छोटे से शेड्यूल को प्लान कर रहे हैं। और आपको बता दें इस शेड्यूल का हिस्सा थलापति विजय नहीं होंगे, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले फिल्मी टॉक के वीडियो में बताया था कि थलापति विजय ने लियो फिल्म में अपने पोर्शन की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। तो कहा जा रहा है कि कश्मीर के इस शेड्यूल का हिस्सा बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर प्लस एक्टर अनुराग कश्यप होने वाले हैं। आपको बता दें अनुराग कश्यप थलापति विजय की इस फिल्म में हमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। आपको बता दें थलापति विजय की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर लोकेश कनगराज डायरेक्ट कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म में हमें थलापति विजय के साथ त्रिशा कृष्णन, संजय दत्त, अनुराग कश्यप और अर्जुन सारजा जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे। आपको बता दें लियो एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जो 19 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। प्रति सेनन की एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका टाइटल दो पत्ती रखा गया है। आपको बता दें ये फिल्म एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें प्रति सेनन के साथ काजोल लीड रोल में देखने को मिलेंगी। और वहीं इस फिल्म की कहानी को कनिका ढिल्लो लिख रही हैं। अभी तक इस फिल्म के लिए डायरेक्टर को फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो देखना होगा कि प्रति सेनन की इस फिल्म को कौन सा डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाला है। आपको बता दें दो पत्ती फिल्म को खुद प्रति सेनन ने प्रोड्यूस किया है, और वहीं ये फिल्म हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। आपको बता दें आने वाले कुछ दिनों में हमें इस फिल्म से जुड़ी कई अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगी। वैसे आप काजोल और कृति सेनन का कॉम्बिनेशन एक बार फिर से देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, हमें कमेंट में बताएं। आमिर खान एक और रीमेक फिल्म बनाने वाले हैं। जी हां, आपको बता दें 2022 में आई मलयालम फिल्म जया 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 हे के रीमेक राइट्स को आमिर खान ने खरीद लिया है, और वहीं इसके हिंदी रीमेक को डायरेक्टर सीमा पाहवा डायरेक्ट करने वाली हैं। आपको बता दें सीमा ने ही राम प्रसाद की 13वीं फिल्म को डायरेक्ट किया था, और वहीं इस फिल्म में हमें दर्शना राजेंद्रन के कैरेक्टर में फातिमा सना शेख देखने को मिलेंगी। और अभी तक बसील जोसेफ के कैरेक्टर को फाइनलाइज नहीं किया गया है, तो देखना होगा कि फातिमा सना शेख के अपोजिट इस फिल्म में हमें कौन से एक्टर देखने को मिलता है। आपको बता दें आमिर खान इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, और ये फिल्म हमें 2024 के सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, आमिर खान को इस फिल्म का रीमेक बनाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में बताएं। शिहान विक्रम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये पोस्ट डालते हुए बताया है कि थंगलान फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। आपको बता दें थंगलान एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर पारंजीत ने डायरेक्ट किया है। पारंजीत ने रजनीकांत की फिल्म काला को डायरेक्ट किया था। आपको बता दें इस फिल्म की कहानी केजीएफ के बैकड्रॉप पर होने वाली है, जिसमें हमें केजीएफ के मजदूरों के बारे में दिखाया जाएगा। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस नहीं किया गया है, तो देखना होगा कि इस फिल्म की रिलीज डेट क्या होती है। वैसे आप चियान विक्रम की कौन सी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म बवाल का टीजर रिलीज किया गया है। आपको बता दें बवाल एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्टर नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है, और वहीं इस फिल्म में हमें वरुण धवन के साथ जाह्नवी कपूर लीड रोल में देखने को मिलेंगी। आपको बता दें इस फिल्म में वरुण धवन एक हिस्ट्री टीचर के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे, जो कि अपने स्टूडेंट्स के आइडल होंगे। और वहीं जाह्नवी कपूर इस फिल्म में एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो अपने लिए एक सच्चा प्यार तलाश रही है। और वहीं बात करें टीजर की तो मुझे टीजर काफी अच्छा लगा है, जहां टीजर में हमें एक कंफ्यूजन भरी लव स्टोरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें वरुण धवन की यह फिल्म 21 जुलाई 2023 को Amazon Prime पर देखने को मिलेगी। वैसे आपको बवाल का टीजर कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।